अब अगर देखेंगे कि भी हम क्या इसका उपाय करें, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाओगे तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उनका मकसद है प्रॉफिट कमाना। लेकिन हम जिस रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मकसद है हमारी जो हेल्थ है उसको बढ़िया करना, और उसके अंदर हमारे पास कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए चीज़ें आ रही है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ग्वार पाठा नारियल इस तरह की चीज़ों से बना हुआ है। उसको भी मैं यहाँ पर पानी के अंदर घोल रहा हूँ आपके सामने। ये चीज़ें एंजाइम बेस्ड है, नेचुरल तरीके से काम करती है। पहली बात तो पूरा पानी में घुल गया, कुछ भी इसके अंदर नुकसानदायी तत्व नहीं है जो कि अपने रेजिडुअल के रूप में रहें और बर्तनों और या कपड़ों के अंदर रह करके हमें नुकसान पहुंचाए, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। और दूसरा, यहाँ पर हम डाल रहे हैं हल्दी, और जैसे ही आपने देखा कि हल्दी डाली तो हल्दी ने जो रिएक्शन है वो हल्दी के साथ इसने नहीं किया, क्योंकि जब एक नेचुरल चीज़ से मिलती है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और जब नेचुरल चीज़ केमिकल वाली चीज़ से मिलती है तो रिएक्शन होना ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं किया, यानी कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है और हमारे पर्यावरण को, हमारे शरीर को और हमारी धरती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हम घर में यूज़ करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से पहले से ही बच सकते हैं, और इनके बारे में जानकारी के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें।